तो ये रबड़ हमने खोला क्योंकि हेयर बैंड को दो तरीका होता है लगाने का, एक उल्टा एक सीधा। एक में बाल अच्छे से जकड़ के रहता है, दूसरे में जो है बाल से ऊपर ऊपर ही थोड़ा रहता है हेयर बैंड, मतलब जस्ट वो उसको टच करता है। ये जानकारी हमें मिला है क्योंकि हम जो है अपने बाल को थोड़ा बड़ा किए हुए हैं। जितने लोग हमें देखना चाहते हैं वो आप हमारे श्रेयस शांडिलिया चैनल को सर्च कीजिए और उसमें हमें भरपूर तरीके से हर रोज़ देख सकते हैं। तो फिलहाल रबर बैंड को मैंने इधर लगा लिया और हेयर बैंड को भी रखने का जो है एक नया जगह बन गया है, वो है मैं गले में ही लटका लेता हूँ। ये हमने अपनी बहन से सीखा। एनीवेज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली वंडर्स इन योर लाइफ बाय इग्नोरिंग नेगेटिविटी एंड बाय एक्सेप्टिंग पॉजिटिविटी एंड बाय बीइंग थैंकफुल टू ऑलमाइटी फॉर व्हाटएवर यू हैव इन योर लाइफ। बुलेट जब थोड़े वक्त के बाद चलता है एंड एक ये इस आवाज़ को मैं कैसे ख़त्म करूँ, ब्रेक वाले साउंड को, ये मुझे समझ में नहीं आता आखिर ये चू 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 आवाज़ क्यों करती है। ये आवाज़ हार्ले में भी मेरे आती है। हार्ले तो जबकि नया है, आई मीन एक साल हो गया, जब वो 5-6 महीने का ही था हार्ले तब से ही वो आवाज़ ऐसा कुछ आता था। और हार्ले का ऐसे भी ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो मुझे थोड़ा काफ़ी ज़्यादा मतलब कुछ अद्भुत नहीं लगता, इट्स नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज द पिकअप ऑफ द बाइक इज, बट नो वरीज, भला है बुरा है जैसा भी है, हमारा पहला गाड़ी है हार्ले डेविडसन और ये हमारे पिताजी का गाड़ी है, मतलब पिताजी से हमने छीन लिया ये गाड़ी है, ऐसा कह सकते हैं, या कहिए कि हमने ज़बरदस्ती एक पिताजी का एक निशानी रखा है। मैंने काफ़ी बार बता दिया लेकिन एक बार फिर मैं बता देता हूँ कि 15 साल पुराना हो गया ये और काफ़ी बुरे स्थिति में था। 3 साल पहले मैं इसको लाया और अच्छे तरीके से बनवाया, लाखों रुपए इसमें खर्च हुए हैं, बट नाउ इट इज़ आप देख ही पा रहे हैं कितने कड़क स्थिति में है और क्या अद्भुत चल रहा है। तो यस, अभी एक चीज़ अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, वो है इसके अंदर का वेपर वाला, शायद ईश्वर चाहेंगे तो हो जाएगा। और अभी हम क्लास के लिए निकले हुए हैं, 5 बजे से क्लास है, आज संडे है, 13 अक्टूबर इट इज़ ओके। एंड आज 5 बजे काफ़ी दिन के बाद मैं जा रहा हूँ, तो यूजली मैं अभी 6 बजे अपना वर्किंग टाइम कर दिया हूँ बिकॉज आज संडे है और ड्रम्स का क्लास होता है, विच वन ऑफ माई स्टूडेंट युवराज दंती ही कंडक्ट्स इट बिकॉज ही इज़ अ गुड प्लेयर नाउ, सो आई हैव गिवन हिम दैट यू नो एलिजिबिलिटी कि येस ही कैन कंडक्ट द क्लास एंड ट्रेन फी ऑफ द यू नो ड्रम लर्नर। तो एक अंजलि स्टूडेंट है, उनको वो सिखाते हैं हर रोज़। तो जानवी अटेंड करती हैं इन दोनों को क्योंकि एक कोई रहना तो चाहिए क्लास में, क्योंकि युवराज भी एक बच्चा ही है और वो इतना रिस्पॉन्सिबल कहिए या फिर एक तरीके का बात कहिए तो अभी उसको हमारे यू नो और भरोसेमंद होने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो चाबी तो सिर्फ जानवी के पास है तो इसलिए मैंने उसको चाबी नहीं दिया है। एंड यस, टू मेंटेन अ डिसिप्लिन ऑल्सो यू नो, क्योंकि युवराज भी बच्चे ही हैं और अपनी अंजलि भी बच्ची ही है, तो दोनों के साथ को एक गार्जियन रहना चाहिए। तो आज जानवी तो नहीं आ पाई है बिकॉज उनका क्लास है, आपका हर क्लास इज सॉरी उनका क्लास नहीं है, मैं भी क्या बोल रहा हूँ यार, कुछ भी उनका जो है अपना ऑफिस है। ए बाबा ये देखो ऐसे करते हैं रिक्शा वाले हमारे, कहीं भी आके भिज जाएंगे, ऐसा करेंगे सर, अच्छी बात नहीं है ना सर, हम अब ठोकना छोड़ दिए हैं गाड़ी जितने लोगों को डबल मीनिंग बात समझ में आया कमेंट डाउन बिलो। टाणा 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 माय द
साइड में हाउसफुल फोर का बाला बाला जो एक गाना है, बाला बाला मस्त है वो, तो एक्चुअली पुराना गाना है, वन ऑफ माई किड स्टूडेंट यू नो, 13-14 महीने का था वो, तब से वो सीखना शुरू किया, कुछ दिन तक सीखा, लेकिन आई डोंट नो व्हाई देयर पेरेंट्स डिसकंटिन्यूड द क्लास। अगर वो सीखते रहता तो काफ़ी बड़ी चीज़ रहती, यस वो चैलेंजिंग भी बहुत ज़्यादा रहता, बट स्टिल और इस तरीके से होम टू वर्क स्टेशन हम पहुंच गए हैं। लेट्स गो। जीरो मतलब बच्चे लोग रहे नहीं यहाँ पे। ऑलराइट गाइस, सो ये मैंने आज थोड़ा अद्भुत सा एक्सपेरिमेंट किया, गोप्रो पहले ऑन कर दिया, उसके बाद हमने जो है हेलमेट पहना। जी हाँ, सो द टाइम अपडेट इज 10:33:04 PM नहीं PM एंड इट्स 13, अरे बाबर है, इट्स 13 अक्टूबर 2019। बोलिए बोलिए, 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के साथ। बाई द वे, इसमें गुड नाइट मोड उस दिन ऑन था, इसलिए वो सेंसर काम नहीं कर रहा था, हमने अपने घड़ी का बहुत बुरा वाला बोला है। एनीवे, हाँ क्या बोल रही है जानवी परदेसी? हाँ हाँ बोलिए ना। ओके तो बाद में करना। ओके सो something precious Janvi is saying, so she don't want to reveal that there is something, you know, just something like yo. Okay. So आज के दिन जो है हम लोगों ने घुंघरू रिकॉर्ड किया, घुंघरू एंड ये रहे हमारे मोहन जी। चलो सर, गुड नाइट। And so yes, today's day was good. Sunday tha, thode zyada log aaye the, and actually aaj thode kam log aaye the. And Sunday hote hue bhi usually zyada log aate hain. And yes, ek gana hai Tum Hi Aana from the movie Mar Jaawa. Maine pehli baar suna tha to mujhe kuch khaas nahi laga, lekin maine Neha Kakkar ji ka cover suna and तो हमने सोचा कि चलो लेट्स, सो टुमारो मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी रिकॉर्डिंग दैट सॉन्ग। आज मैंने घुंघरू रिकॉर्ड किया फ्रॉम द मूवी घुंघरू टूट गए, सॉरी फ्रॉम द मूवी वॉर, फ्रॉम द मूवी घुंघरू। आई एम जस्ट इमेजिनिंग अगर वॉर मूवी का नाम घुंघरू टूट गए रहता तो माय गॉड इट वुड हैव बीन लाइक अ ग्रेट कॉमेडी। But yeah, no worries. We are not making any such comedies now, right now. So, ये जो है, ये लोग जो हैं क्या बोले, फुटपाथ इतना बड़ा है, इतना चौड़ा फुटपाथ है, फिर भी नहीं चलते। यार इतना बड़ा चौड़ा। वही तो बात है, लोग नहीं चलना चाहते हैं ना। और जानवी जो है अपने गेट पर जो है सारे गामा का एड लगाई है। जानवी देखिए काफ़ी रही से अपने घर के नीचे काफ़ी सारा स्टोर रखती है और काफ़ी दांत चमका रही है अक्षय कुमार। ओके चलो ठीक है, सी यू बाय। एक नंबर में पहली बार हमने इतने देर तक 20 के स्पीड में चलाया। हार्ले में अगर इतना एक्सलेटर लेके रहते तो पता नहीं कहाँ उड़ जाता हूँ। एंड यस,
नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट एल्स बाकी सब तो बढ़िया है, बस ये गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराना इतने दिन से बाकी है हमारे यार। आई होप कि ये जो ब्लॉग है इसको कोई गोरेगांव के पुलिस या ना पुलिस मतलब कि क्या बोलते हैं अपने कोई मतलब ट्रैफिक पुलिस वगैरह ना देखें, और देखें भी तो मेरे रजिस्ट्रेशन होने के बाद देखें। एंड आई तो रियली होप कि ये ब्लॉग को पूरा दुनिया देखें। आप लोगों को पसंद आ रहा है तो डू यू नो शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स गाइस। एंड ये दिस इज वर्क स्टेशन टू होम एंड यू नो आई एम क्वाइट एंजॉयिंग इट यू नो बिकॉज एक्चुअली मैं एंजॉय का जैसे ही बात किया डस्ट आया हमारे मुंह में, व्हाट अ कॉमेडी सीन विद आल्सो सम बैड स्मेल। बाय द वे आई स्टिल थिंक देयर इज सम डीप स्टोर जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन जो नहीं होना चाहिए वही तो होता है, यही तो ज़िंदगी है। जो होना चाहिए अगर वो हो जाए तो फिर ज़िंदगी ज़िंदगी कैसे रहेगी। और यहाँ पर एक बाजू में एक कुत्ते थे, वो काफ़ी ज़्यादा भौंकते हैं, उनसे कभी कभी हमें जो है डर लग जाता है, बट इट्स ओके। नाउ टॉकिंग अबाउट वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, एक्चुअली मेनी थिंग्स टू टॉक, वन थिंग इज़ कि इस GoPro का जो है मैंने वीडियो करी, एक रोड का मैंने माइक ख़रीदा है एंड दैट माइक एक्चुअली आई एम नॉट यूजिंग सिंस मतलब ख़रीदे हुए एक साल से, ऑब्वियसली एक साल तो नहीं हुआ होगा लेकिन हाँ 6-8 महीने तो आराम से हो गए होंगे। जनवरी फरवरी में लिया हमने, अक्टूबर ना, तो श्रेष्ठा हमारी बहना ने बताया है कि जिस चीज़ को हम 6 महीने तक यूज़ नहीं करते उसको ज़िंदगी में कभी नहीं कर पाए, तो लेट्स सी हाउ विल दैट पॉइंट बी प्रूव्ड सो करेक्ट। एंड उसमें बस चीज़ यही है कि उसमें जो है हमें एक एडेप्टर के साथ ही वो लगता है, तो वो ही बस मुझे छोटी सी इश्यू हो रही है कि वो एडेप्टर जो है मतलब मैं कहाँ रखूँगा, GoPro के इधर जो है कुछ जगह वगैरह नहीं रहता। Lots and lots of things are there to talk, but you know we'll talk tomorrow because today I have already reached home. And ये हमारे boss हैं, boss मतलब so yes guys I have already reached, boss मतलब हम हमारे senior citizen के बारे में बात कर रहे थे, जितने लोग vlog regular देख रहे हैं उनको मालूम होगा। And so yes, I'll see you tomorrow. That's all for tonight. 13 October, the 2019 Sunday. It is 10:39 PM. 32 degrees Celsius temperature. So bye bye. And ये हमारा ही ऐसी आवाज़ कर रहा है इतना ज़्यादा।